राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय की परीक्षा कार्य का ठेका MKCL कंपनी को देने सहित परीक्षा परिणाम में देरी एवं विश्वविद्यालय से संबंधित अन्य शिकायतों की गहन जांच के लिए सचिव स्तर के अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। MKCL कंपनी को दिया गया काम तत्काल बंद किया जाए, साथ ही छात्रों के नुकसान से बचने के लिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने आज परीक्षा का काम देख रही क्रोमार्क कंपनी को आगामी परीक्षा आयोजित करने के लिए 6 महीने का विस्तार देकर निर्देश दिया। राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय प्रथम वर्ष के परीक्षा परिणाम में हुई देरी की समीक्षा विश्वविद्यालय के जमनालाल बजाज प्रशासनिक भवन में आज पाटिल की मौजूदगी में बैठक हुई। विधायक नागो गणर, विधायक प्रवीण दट्ट के विधायक अधिवक्ता अभिजीत बंजारी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, कुलपति डॉक्टर सुभाष चौधरी, कुलपति डॉक्टर संजय दूधे, रजिस्ट्रार डॉक्टर राजू हिफसे, परीक्षा नियंत्रण बोर्ड के निदेशक डॉक्टर इस अवसर पर प्रफुल्ल साबले आदि उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज नागपुर।